तीन मछली पानी में गई। दो मछली, दो मछली साइलेंट है, मछली या मछली साइलेंट। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू एन अदर व्लॉग। और आज जी हम लोग जा रहे थे पिकनिक पे, ईद का चौथा दिन था। और आई नो कि मैं बहुत टाइम बाद जो है ये व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जी आज पूरी फैमिली जो थी हमारी, वो हम सब मिलके जा रहे थे पिटारो रिज़ॉर्ट। वहाँ पर पिकनिक का प्रोग्राम था हमारा, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 6 बज चुके थे, बिकॉज़ हमने घर से पूरा खाना वगैरह तैयार किया और तैयार होते होते टाइम का पता ही नहीं चला, 6 बज चुके थे। तो यहाँ तक आते आते हमें जो है मगरिब का टाइम होने वाला था, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले जो है मैं थोड़ी बहुत क्लिप्स जो हैं वो रिकॉर्ड कर लूँ, ताकि मैं आप लोगों को दिखाऊँ। और पहले भी मैं यहाँ पर व्लॉग बना चुकी हूँ, 22 वाली जो ईद थी वो भी, हाँ आई थिंक वो भी बकरा ईद थी, बकरा ईद के बाद जो है हम लोग गए थे। और इस दफ़ा भी हम लोग बकरा ईद के बाद जो थे दिन पे हम लोग जो है पूरी फैमिली पिकनिक पे गए हुए थे। और वीडियो को आपने एंड तक देखना है। तो यहाँ पे जी बहुत ही खूबसूरत सा व्यू था, और आज थोड़े बहुत मौसम भी अच्छा था क्योंकि बादल भी थे और अंधेरा होने वाला था, तो ये व्यू और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये लेक बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, और सबसे जो खूबसूरत व्यू था ना वो ये था बोट वाला। हम तो बोट में नहीं बैठे थे, मुझे तो वैसे ही बोट से बहुत डर लगता है, और हमें देर भी हो चुकी थी, बच्चे भी साथ में थे, इस वजह से हम बोट में नहीं बैठे। लेकिन यहाँ से जो है व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा था, तो थोड़ी बहुत देर हम यहाँ पे बैठे हुए थे और यहाँ पे पिक्चर्स निकाली, वीडियोस वगैरह बनाए, बिकॉज अंधेरा होने वाला था। तो हम सोच रहे थे कि सबसे पहले वीडियोस और पिक्चर्स बना ले, उसके बाद ही हम लोग कुछ खाएंगे पिएंगे। भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी, बिकॉज सब देर से उठे थे, तो नाश्ता किया था और लंच एंड डिनर जो है एक ही हमने बनाया था, वो हम यहाँ पर बना के लेकर आए थे। और जी अब फाइनली अंधेरा हो चुका था, रात के 8-9 बज चुके थे, और अब हम लोगों ने जो है डिनर करना था। तो सारी चीज़ें कार से सब लोग लेकर आए, भाई वगैरह, और हम सब लोग जो हैं अभी दस्तरखान लगा रहे थे। और यहाँ पे जी कढ़ाई बनाई थी भाभीयों ने, और बिरयानी मैंने बनाई थी, बाकी सलाद रायता रोटियां मिक्स में सब ने किया था, मैंने बिरयानी बनाई थी, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि बिरयानी मैं ही अच्छी बनाती हूँ घर में। ठीक है जी, तो यहाँ पे जी चिकन कढ़ाई थी, ये भाभी लीजा ने और भाभी रम ने बनाई थी, रायता सलाद रोटियाँ वगैरह ये और भाभीयों ने और सिस्टर्स ने बनाए थे, सब ने मिलकर काम किया था। और इत्तेफाक की बात ये थी कि आज लाइट भी नहीं थी, तो इस वजह से लेट भी हो गई थी हमें। ठीक है जी, उसके बाद फिर हम सब ने खाना खाया, बिरयानी बहुत ही अच्छी बनी थी, हमने घर जाकर भी खाई, और मैंने क्वांटिटी वैसे ही ज़्यादा बनाई थी, मुझे पता था कि हम लोगों को लेट नाइट फिर से भूख लगनी है, तो लेट नाइट हमें फिर से भूख लगी थी, तो हमने घर जाकर फिर से ये बिरयानी खाई थी, बहुत ही यम्मी और मज़ेदार सी बनी थी, बिकॉज़ मैंने अचारी बिरयानी बनाई थी। अचारी बिरयानी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आपने लाजमी ट्राई करनी है, ये बिरयानी बहुत ही अच्छी बनती है। तो यहाँ पे जी अब हम लोग सोच रहे थे कि कोई गेम खेला जाए, इंस्ट्रक्शन क्या दी दो, हमारा नहीं दी, क्यों दो हमारा एक तीन आज ना मैं एक मछली पानी में गई, अगला बस करूंगा मार दूंगा, और उसमें बता एक मछली पानी में गई, पानी में गई छापा, दो मछली हाँ डबल करो, एक दफा करो मैडम, दो मछली, दो मछली साइलेंट मछली या मछली साइलेंट, चपक चपक, वीडियोग्राफर आने के थोड़ा छजे होगा, तीन तीन मछली, तीन मछली, तीन मछली पानी में गई, पानी में गई, चार मछली, चार मछली, चार मछली, चार मछली, चार मछली, चार मछली, पानी में गई, पानी में गई, चबाक, तीन मछली, पानी में गई, वन का, वन का हम आउट दिए, बेबी आउट की, दो मछली, दो मछली, दो पानी में गई, छपाक तो जमा दे पानी में गई, तीन मछली, एक मछली, मैंने लाख दी,
डॉगी तुझे सब गेम खेलने में इतना मसरूफ थी, बच्चों को किसी ने देखा ही नहीं, वो पता नहीं कहाँ पर जाके पहुँचे थे। नहीं हो किन्नो हो गया जी दोनों पास लड़ चली वाली ये जी ये रहते थे सेफ के दो भाई समझी वाले बाप लोग लो हां माशा अल्लाह सेफ के दो भाई बिस्मिल्लाह माजी जी के लबदान ये वडी गाड़ी चाबी किसे अभी गाड़ी जी। तो जी सबने मिलकर गेम खेला, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत ही मज़ा आया। और उसके बाद फिर थोड़ी सी वीडियो वगैरह बनाई और अब हम लोग जा रहे थे चाय पीने, बिकॉज हम लोग जब भी पिकनिक पे जाते हैं ना तो हमने खाना एक जगह खाना होता है, लेकिन चाय हमें किसी न्यू जगह पे पीनी होती है। और इत्तेफाक की बात ये है कि आज ईद का चौथा दिन था और बारिश भी हो रही थी, तो हमने वहाँ से जो है हमें जल्दी निकलना पड़ा और अब जामशोरे आए थे हम, लेकिन जामशोरों में कहीं पर भी हमें कोई चाय का रेस्टोरेंट ओपन नहीं मिल था, या फिर चाय का ढाबा था अभी तो वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था, बैठने की जगह नहीं थी। तो हमें कोई ऐसी प्लेस चाहिए थी जहाँ पे बच्चे भी इंजॉय करें और हमें भी बैठने की जगह मिल जाए। तो बाहर तो बारिश हो रही थी तो किसी भी ढाबे वगैरह पे हम चाय नहीं पी सकते थे, लेकिन चाय तो हमें पीनी है, चाय के बगैर तो घर जाना ही नहीं था ना, बिकॉज ऑलरेडी चाय हम घर पे तो वैसे भी नहीं बना सकते बिकॉज घर पे गैस नहीं होगी। इस टाइम रात के 11 बज रहे थे तो बगैर चाय के हमने घर नहीं जाना है। तो हमें एक जो है रेस्टोरेंट मिला यहाँ पर जामशोरों में ही, यूनिवर्सिटी वाले रोड की साइड पे ही ये था, नया ओपन हुआ था, बहुत ही अच्छा था। अंदर प्ले एरिया भी था बच्चों के लिए और बैठने की जगह भी थी और थोड़ा सा छोटा सा एक कैफ़े था, लेकिन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही डिफरेंट बना हुआ था। और पिक्चर्स का भी अलग से कॉर्नर था वहाँ पे, आप कमेंट भी दे सकते हैं, वो भी एक अलग से वॉल बनी हुई थी। और बच्चों ने भी यहाँ पे एंजॉय किया, हमने भी एंजॉय कर, यहाँ पर हमें तकरीबन एक घंटे से ज़्यादा टाइम लग गया और मैंने तो यहाँ पे दो चाय पी बिकॉज इनकी चाय बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और एक कप से तो मेरा गुजारा नहीं होता, तो मैंने दूसरी चाय भी मंगवाई थी। तो जब कुछ लोगों ने दोबारा से ऑर्डर किया चाय का ना, तो उस वजह से थोड़ा टाइम लग गया, पहले भी चाय में इन लोगों ने थोड़ा सा टाइम लगाया था। मैंने बता रही थी कि ईद का चौथा दिन था तो रश भी बहुत ज़्यादा होता है इस टाइम पे, और उसके अलावा लेट नाइट हम लोग गए हुए थे तो चाय वैसे ही लेट मिली और मैंने डबल डबल चाय पी और चाय बहुत अच्छी थी इनकी। और यहाँ पे चाय के साथ पापे भी थे बिकॉज हमने पापे भी मंगवाए थे चाय के साथ। मैं पहली व्लॉग में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आजकल मैं चाय ऐसे खाली नहीं पीती, चाय के साथ पापे लाजमी होने चाहिए। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने पापे भी मंगवाए थे चाय के साथ और बच्चे तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे ना, इनको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था यहाँ पर। और इत्तेफाक से एक या दो फैमिली थी, बाकी पूरा जो है पोर्शन ऊपर वाला खाली था, नीचे भी सिटिंग एरिया था इनका, ऊपर फैमिली के लिए था तो ऊपर एक दो फैमिली थी, बाकी पूरा खाली था। तो ये लोग बस भागते फिर रहे थे, इनको मज़ा आ रहा था, एंजॉय किया इन्होंने भी। और एंड में हमने जो है रिव्यूज़ भी दिए इनको कि इनकी चाय बहुत अच्छी थी और वगैरह वगैरह भाभी लीजा ने जो है इनको रिव्यू दिया था, अच्छी प्लेस थी और हमें जैसे प्लेस चाहिए थी ना उस टाइम वैसी ही हमें मिल गई थी। और ये मेरा दूसरा कप चाय का, तो जी हमने दो कप मैंने दो कप चाय के पिए, मैंने और अम्मी ने और एक भाभी ने कामी ने, हाँ तीन चार लोग हैं हमारे घर में जिनको हर वक्त चाय आप देंगे तो वो आपको चाय के लिए मना नहीं करेंगे। एक तो अम्मी है, दूसरी भाभी, तीसरा भाई है मेरा और मैं, हम जो है कभी चाय के लिए मना नहीं करते। लेकिन हाँ मैं चाय ऐसी वैसी नहीं पीती हूँ, मतलब चाय हो तो क्वालिटी वाइज हो, लाइक फीकी चाय हो, उसके अलावा दूध पत्ती वाली चाय हो तो चाय मतलब आप जिस चाय को पसंद कर रहे हो ना वैसी ही चाय आपको मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कोई सी भी चाय हो रहा हाँ कह दे नहीं। चाय तो हमारा, आपको तो पता है चाय हमारा सस्ता नशा है। ठीक है जी, तो अगर आपने मुझे जो है इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक मौजूद है और
टिकटॉक पे फॉलो नहीं किया तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अब हम लोग जा रहे थे घर। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी दूसरी व्लॉग्स भी देखिएगा, उनकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।